हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। विंटर्स आ चुकी हैं तो सब थोड़े बहुत तो बीमार होंगे, किसी को कोल्ड होगा, किसी को खांसी, तो किसी को कुछ। तो फिर मैं सुबह सुबह क्या किया, मैंने मेरे बाल हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा मैसी, मैंने इन्हें कॉम किया, जूड़ा बनाया। फिर उसके बाद मैं चली गई ब्रश करने। ब्रश करने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद फिर मैंने एक ग्लास पानी गर्म किया। ये मैंने पिया नहीं, सिर्फ गर्म किया। पूजा करूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई पूजा करने। नहा के मतलब पूजा की मैंने, और ये जो पानी गर्म किया था इसको मैंने पूजा करने के बाद पिया। पूजा करने के बाद फिर मैंने बैठ के पाठ किए थोड़ी देर आराम से। सो गाइज, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी एंड दाल। दाल के साथ मुझसे खाई नहीं जाती वैसे, दाल मैं वैसे पीऊँगी एंड चाय एंड ये करेले की सब्जी है तो मुझे पसंद है करेला काफ़ी ज़्यादा। हाँ ठीक हुआ, बताओ और के जिंदगी झंडो दी और के जिंदगी जिंदगी झंडोरी जिंदगी झंडोरी। मेरी माँ ने झंड कर रखी, कभी जान नहीं देंदी, आन नहीं देंदी। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, वो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। के कर रहा लो बहुत दिन बात नहीं चली थी क्या डोरी के कर रहा ही हूँ। ये गेट मशीन दिखा है? हाँ दिखा है, तेरा सामान भी दिखा। मेरा सामान दिखा? तेरा सामान दिखा चुका ना। और पारो सूट बड़े बड़े गलिया के। और तेरी माला दिखी सोने की, बताओगी बॉसी? अच्छा अच्छा, मैं बताऊंगी, मैं जाऊंगी मौसी का रहा कहूंगी। कद आओगी? आजो ना, हम आजो। खाऊंगी मखनी खाऊंगी। अच्छा और निकल लो लो था मुड़ गया था मुड़ा था तेरे भाई छो मारिया पर ले जाना। मैं तो कहूं कड़ा था मुड़ गया मैं परसे था है। सारसा सारसा कद आया हम? सारसा तो रहे के यू मना ना बेरा मामने तो मुझे केस ले गई थी। आमना अच्छा सारे से घूमे और वहां भी घुमा घुमा कर ले गई थी। आधे घंटे का रहा उन्हें, दो घंटे का बना दिया था फिल्टर फैट गए थे मेरे तो। चार चार ना लेकर ना बारिश हो रही थी रे। और ऊपर तो बारिश हो रही, ठंडा मौसम। बता भी चल मोसे, आप तो सारा देश घूमेंगे, सारा देश घूमेंगे। आज बोरिया बिस्तरा ठा गया ना तो गोल बिस्तरा के
खाना है। गाड़ी ले मौसी मैं आज यो टिक्का करण ए चुन्नी देखा चुन्नी चुन्नी सी पदर का गाड़ी ले ढोल नगाड़े बजाइयो आड़ा आजो और ले ले बेटी अच्छी बात ले ले बेटी लंगवाड़े कौती गए ढोल लंगवाड़े आज तारी तारी भी लंबी बनाऊंगी मारे घर तो लोग डरते आंदे कोई फिल्म पहला तो सारे लट्टू ने भी देखोगे कैमरा लग रहे हो पहला तो सारे आ कर दे नहीं रही इफ तो कोई नहीं फटकता डरदा कैमरा तो जब तक मैंने कैमरा और जगर मासली में कैमरे ला दिए फिर तो कोई भी नहीं आवा फिर तो सुन सपट हो जाएगा और बता मौसी उन इसके अलावा भी सो गाइस मम्मी ये डबिया लेके आई है मंदिर के लिए इस पे मेरा नाम भी लिखा है पायल क्या कर ले इस काम की ये मंदिर के लिए छोटी छोटी डबिया मैं दिखा दे तो बतेरा हो ना कर जो काम नहीं आधी आधी खानी रहो रह रहे हो तो सारा बैग भूख देगा नहीं ले आई फ्रिज में दर दिए लड़की का डाली दो सात ले आई चार और सही यानी का ही आई मेरे पास 200 की चार डेढ़ नहीं सब पहला अभी नहीं पाया जो सीना ना मैंने मैं छोड़ दिया तो कर दीवार सो गाइस काजल कर रही है सोफे सेट ये दोबारा करेंगे मतलब अगर नुएस जो पोजीशन थी सेम नुए रख दिए सही सेट करें या यूं रेड भीड़ा ला रखा था सो गाइस मैं अभी पैंट्स ठीक कर रही हूँ आज विंटर्स की तो ये विंटर वाली पैंट्स यहाँ है एंड समर वाली पैंट्स वहाँ पे तो अभी सेट कर रही हूँ मैं टाइम लगेगा मेरे को बाकी कल ये सेट कर दिए थे ये विंटर के बेसिक कपड़े ये मिक्स है मतलब बेसिक भी और फैंसी भी एंड ये मेरी जैकेट क्योंकि अभी इतनी विंटर नहीं आई ना तो ये बाद में यूज़ करूँगी मैं और ये मेरे समर्स के बेसिक कपड़े और ये फैंसी कपड़े इसमें दो मिक्स भी है मतलब ये कॉस्टली ज़्यादा कॉस्टली है और ये थोड़े मीडियम प्राइस में है और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो भी वैसे तो यहाँ मैंने एक एक करके कपड़ों को तय किया और अलमीरा में रखा जो कपड़े यूज़ किए थे उनको रखा जो नहीं थे वो बाहर निकाल दिए ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी दोनों अलमीरा सेट की विंटर और समर की गाइस सेट करती है मैंने ऑलमोस्ट डन उधर सारी जींस हैं ये विंटर के हैं सो कुछ ऐसे फोल्ड करे हैं दिस 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 एंड ये वाले कुछ ऐसे ये तो मेरे समर्स के हैं ये मैंने रखे नहीं अभी एंड ये सारे विंटर के हैं ये 5000 का है
एंड ये 3000 का, ये भी 3000 के आसपास, ये 2000 2-3 विंटर के सारे ऐसे ही आते हैं। ये तो जंपर्स हैं, ये 1500 ये 200 के आसपास होगा, ये 1500 के आसपास, ये 2000 2500 का है ये। एंड ये फैंसी जम, ये फैंसी है, ये भी फैंसी है, ये मेरी वाइट पैंट है, ये मेरे सारे शॉर्ट्स वगैरह हैं गर्मियों के, ये सारे जो कि मैं सिर्फ गर्मियों में ही पहनती हूँ। तो गाइज कपड़े सेट करने के बाद फिर मैंने, ये मेरा कपड़े सेट करने वाला फर्स्ट टास्क था, उसके बाद सेकंड टास्क था मेरा रूम। तो पहले मैंने ये साफ़ किया, मेरा कूलर गर्मियों का है लेकिन, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, धूल मिट्टी वगैरह डस्टिंग वगैरह सारी साफ़ कर दी। फिर उसके बाद मेरे रूम में दो खाट है, दूसरी खाट पे मेरे मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह, जो बुक्स वगैरह मैं रीड करती हूँ वो सारी रखी हुई थी। तो एक एक करके मैंने सारे डॉक्यूमेंट को इधर उधर सब सेट किया, जो कुछ अलमीरा में रखना था वो अलमीरा में रख दिया, जो मैं नहीं पढ़ रही थी उनको भी रख दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने खाट पूरी साफ़ कर दी, फिर इस पर भी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग हो रखी थी तो इसको झाड़ा भी छोड़ा मैंने अच्छे से। और फिर नई चादर मैं लेके आई धोई हुई, वो चादर मैंने इस पर बिछा दी। एंड मतलब ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि काफ़ी ज़्यादा गंद मैं अपने कमरे से निकाल दूँ, तो वो मैंने निकाला, तो ये नई चादर निकाली धोई हुई, ये बिछाई मैंने, एंड इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। तो आज कई टास्क किए मैंने। फिर इसके बाद मैं सब्जी बनाने के लिए चली गई थी, तो उसके लिए सामान प्रिपेयर करा, फ्रीज से निकाला, कटिंग वटिंग की, वॉश करके, एंड तो वो मेरा थर्ड टास्क था सब्जी बनाने का। तो टेस्टी सी सब्जी बनाई मैंने। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा मौसम चल रहा है, कुछ मर्जी डाल लो सब्जी में, चाहे कुछ मसाले डालो या ना डालो, पता नहीं कैसे कुछ अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, मतलब सब्जी में अजीब सी टेस्ट आता है, टेस्ट तो आता ही नहीं, चाहे कुछ मर्जी डाल लो ना डालो सब बराबर सा ही लगता है। सॉल्ट कम डालो तो कम लगता है, ज़्यादा डालो तो ऐसे ज़्यादा ही लगता है, अजीब ही हो रहा है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। सो गाइस ये सब्जी बन के तैयार बन गई। हे बेबी क्या कर रही तू? गिर गई ओ राधे राधे बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जो हमारा बेड़ा पार करा ना वो श्री श्याम जी ने करा है। चल सो गाइस दिस इज माय सी This is my evening lunch. This is बैंगन का भरता and this is दाल and roti. भरता गाइस मम्मी ने ये कवर वॉश कर दिए, ये ओल्ड वाला कवर है, ये न्यू लेके आई थी वो, और ये भी ये न्यू कवर है, ये मरून मरून कलर है, ये चादर धो दी मम्मी ने। एंड आज फिर मम्मी ने कपड़े वॉश कर दिए, सो गाइस हम आए थे सामान लेने घर का, थोड़ा सा ही लेने, पांच चीजें और कुछ ऐसे बन के आए थे। तो चलते चलते फिर हमें गर्मी लग रही, गर्मी लगने लग गई, चलते चलते 10 मिनट हो गए, चलते चलते देख के किस किस का सदमा लग गया। उसके अलावा किसी के लिए होगी, कोई नहीं, कोशिश भी कर, कोशिश कोई नहीं, टाइम लगेगा, तो चुप हो जा। सो गाइस हम आ गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया, 20 मिनट तो लग गई आराम से, 10 आने की 10 जाने की, अब मेरा हार्ट टूट गया। चलो कुछ ना कुछ तो काम करें,
बाकी सामने देख लिया होगा रसोई माज कितनी गंदगी काटी मैंने। आज हमने साफ सफाई करी काफी ज्यादा, इन अपनी करी मना पूरे घर की करी, इन अपने कपड़े लत्ते पत्ते बुक्स बुक्स देखी सारी चीज मैटर करा घर में। हां सारी चीज मैटर करा दे रहा है। बाकी हम दोनों ने बिग बॉस में भेज दो, तुम छड़ दम तार देंगे लोगा की तो बाद में लटवा देंगे, पहले मारे बाद देंगे उड़ा। तू मेरी सनस्क्रीन ला साली, फिर दूसरी आओगी अरे पार ये लो मेरी सनस्क्रीन ले लो कोई बात नहीं। अंकिता लो खंडे वर्गी इट्स ओके आप मेरी साड़ी पहन सकते हो, फिर कहोगी हाँ मेरी साड़ी पहनते फिर तू कही मेरे तक दया रुआ मेरे तक मेड़े देन लग रही साड़ी पहन थी, फिर मैं कहूँगी और ले लेने स्वाद और अपनी स्टोरी बन जाए कहना कहने की बात हो। बिग बॉस वालों हमें बुला लो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे। क्या कर रही है? सो गाइज दिस इज माय डिनर, रोटी सब्जी करेले की एंड बैंगन का भरता। वाह चढ़ गई यहाँ से इतनी क्रॉस करते हुए। देख ध्यान तक गिर कांच पाओगे इसमें। सो गाइज इतनी किताबें पढ़ी मैंने, इतनी किताबें, ये निचला भी भर रहा है। क्या कर रहे तुम केटो? दूध लेके आई हूँ अदरक वाला, थोड़ा सा अदरक डाला दूध में और पूरे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल किया मैंने। एंड डिनर हो गया मेरा, डिनर के बाद मैंने फेस वॉश किया क्योंकि हम बाहर गए थे ना तो थोड़ी धूल मिट्टी आ गई थी फेस पे। एंड अगर आप ठीक हो तो फिर डस्ट के साथ सोना इज़ नॉट गुड, तो फिर मैंने फेस वॉश किया। एंड उसके बाद मैंने डिनर तो मैंने कर लिया था, डिनर करने के बाद फेस वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने 10-15 मिनट मैंने वॉक की एंड 5 मिनट तक इसको बॉईल किया। अब ये गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसको पीऊँगी, और अभी मैं व्लॉग्स देख रही हूँ एंड फिर इसके बाद मैं सो जाऊंगी, दैट्स इट। और सुबह उठेंगे हम 4 बजे।